मैं उस दिन को मार देता हूँ और दूसरे वेतन का पान मुसलमान कभी भी दिन नहीं हुआ। मेरे मतलब दोस्तों, ये चीन पहली जमीन का किला था, आठवीं जमीन का किला है और आईना जमीन का किला है। तुम्हारे सरकार का जो सिद्धांत सो कर पार्लियामेंट हो, आज आवाम के नुमाइंदे रहे हैं,
ये एक्सपेरिमेंट और फोर्स के जो है चलते हैं जो लगाते हैं और जो हमारे जो है मुजरिम को अब मुजरिम कहना पड़ेगा, मुजरिम को बेनकाब करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने जो बात की है जो गंदगी की तौर की है बात नहीं। दोस्तों पाकिस्तान 75 साल उम्र में हमने कौन सदी गुजार दी, कौन सदी की इस तारीख में अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बड़ा इस्लाम मुल्क को एक सेट और स्टेट बनाया जा रहा है, मुल्क को एक गैर महसूस रियासत बनाया जा रहा है, मुल्क को गलत पॉलिसी के नतीजे में बदलने की तरफ धकेला जा रहा है। और अगर हमने ये मुल्क जमहूरियत के लिए हासिल किया था तो 75 साल में हमें जमहूरियत नहीं आ रही है। अगर हमने ये मुल्क माशी खुशहाली के लिए हासिल किया था तो 75 साल से हमारी मईशत आज कहां खड़ी है, जो दशाओं के लिए कर सकता था जहां आज हम पसमानदगी के हालत में खड़े हैं। जिस मुल्क को इस्लाम के लिए हासिल किया गया, जिस मुल्क को जमहूरियत के लिए हासिल किया गया, जिस मुल्क को खुशहाल मईशत के लिए हासिल किया गया, 75 साल में ये तीन मकान हासिल नहीं हो सके, किसके हाथों मुंह मकाना दिया जाता है सिर्फ, लेकिन इन तीन मकानों में राष्ट्र योजना हमेशा पाकिस्तान के स्तर पर गई है और यही पाकिस्तान के लिए नेता की होगा। रिसर्च के नाम पर इंतजाम के नाम पर हकूमत आवाम की, लेकिन आवाम को गुलाम बनाया जाता है, उसको गुलामी नहीं दी जाएगी। बड़ा जरूर है सर, हमने कहा था कि कुछ चीजें हैं जो पाकिस्तान में एजेंडे की तौर पर लाई गई है और हमें उस एजेंडे को नाकाम बनाना है, लेकिन हमें तो किसी सियासी जवाब के इनका हम तो एक सियासी जवाब के खिलाफ लगे हुए थे, हमने उनके एजेंडे को नाकाम बनाया, लेकिन हमने उसके बात कही थी कि प्राचीनों को दोबारा एक मुसलमान का स्टेटस दिलाने के लिए कुछ टीमें काम कर रही हैं, लेकिन जिस रास्ते से उनको नाकामी हुई आज सुप्रीम कोर्ट के जरिए से वो निर्णय पूरा किया जा रहा है। जस्टिस कोटी से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वो आपको सीन जो रहने वाला है, याद रखें हमारे यहां कौमियत सिर्फ तीन की बुनियाद पर है, जो गौरव प्रधान मुसलमान है, मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के फिरौन को छुड़ाया ही इस्लाम के लिए। मैं जनाब चीफ जस्टिस फैज ईसा साहब को बड़े एहतराम के साथ उसके आपके शहर से पुकारना चाहता हूं कि आपने कादियानियों को जो निर्णय देने वाला फैसला किया है आपको हदाय कलाम ने कह दिया कि आपका फैसला कुरान सुन्नत के खिलाफ है,
आपको फैसला खत नबूत के अकीले को नुकसान पहुंचाने का तो है, आपको फैसला कादियानियों को रिलीफ देने का फैसला है और उनको तबादला जवाब दिया गया है। लेकिन जब आपकी नीयत ठीक न हो तो उन लोगों से अब फतवे दी जा रहा है जिनके फतवे बढ़ाने के लिए जवाब मिलेगा। मैं एक दिनों के किसान के साथ कहना चाहता हूं और आपको ये तारीफ करें, मैं इसके लिए फोन से आया हूं, लेकिन जब प्रभुओं का मसला आएगा तो मुझे छीन का पसंद करो और फॉर वीसा का छीन से कोई भारत नहीं हो। जहां प्रधानमंत्री अति बेटी मिले आपको मेरे महत्वपूर्ण दोस्तों, आज दुनिया में एक फसाद बिछा हुआ है। अमेरिका सारी दुनिया में जमहूरियत की बात करता है, लेकिन पाकिस्तान में हमारी एस्टेब्लिशमेंट को जमहूरियत के कदम की इजाजत देता है। हमारे मुल्क में मां संध्याओं को सपोर्ट करता है, सारी दुनिया में वो इंसानी हकूक की बात करता है, लेकिन अफगानिस्तान में बदलता है 20 साल तक अफगानों का कर्जहान करता है और वहां पर जब अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू होती है तो एक जनरल अपने मुसलमान भाई को रुका रहे हैं अमेरिका का इतिहास बदल जाता है। याद रखें हमारा